जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी बेहतर ढंग से चल रही होंगी। आप सभी कैसे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। तो आज के सेशन में जैसा कि आप सभी नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 2023 के नोटिफिकेशन की सीरीज में ये जो नोटिफिकेशन है वो आपकी माह जुलाई में जो प्रस्तावित परीक्षा है उसकी रिगार्डिंग है। यहाँ पे इसमें आपका जो करेक्शन डेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एडमिट कार्ड डेट और एग्जाम डेट के बारे में इसमें अभी कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं करेक्शन डेट के बारे में। करेक्शन क्या है, करेक्शन किसे करना होगा, अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कब से सही कर पाएंगे, और इसमें करेक्शन क्या क्या हो सकती है, क्या सभी को करेक्शन करना अनिवार्य है, क्या अगर कोई करेक्शन नहीं करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या एडमिशन होने में कोई दिक्कत होगी, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे एक एक करके और सभी डाउट को आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कुछ अजीब सा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब आप पूरे सेशन को देखेंगे समझेंगे तब आपको क्लियर होगा कि मैं क्यों इस करेक्शन को इतना सीरियसली लेने के लिए बात कह रहा हूँ। मैं एक शब्द में आपको बता दूं कि करेक्शन में अगर आपका कोई मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा, और अगर आप करेक्ट करने का मौका मिल रहा है अभी आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम भले ही दे लीजिए, भले ही आपका अच्छा रैंक आ जाए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी इशू होगा, कोई भी आपके डिटेल्स में प्रॉब्लम होगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, डीवी आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दिक्कत आपको होगी आगे चल के। ठीक है, साथ ही में एडमिट कार्ड डेट भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि कब तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और साथ में आपके एग्जाम डेट कब तक हो जाएंगे, इस बात पे भी थोड़ा सा क्लियरिटी हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग के पास एक नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से है और इसमें प्रवेश परीक्षाएं जो है वो माह जुलाई 2023 में क्या है प्रस्तावित है, जो है प्रपोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट था वो यहाँ पे 6 मार्च 2023 दिखाया जा रहा है, यानी 6 मार्च 2023 को आपका फॉर्म रिलीज हो गया था फिल करने के लिए पॉलिटेक्निक का। ठीक है, कह रहा है 20 जून 2023 को आपका जो फॉर्म है वो क्लोज किया जा रहा है, यानी कि 20 जून यानी आज जो है जिन भी बच्चों को फॉर्म भरना है आज लास्ट डेट है, फॉर्म को भर लो, एकदम अंतिम मौका है, इसके बाद अब डेट नहीं बढ़ने वाली है। क्यों नहीं बढ़ेगी सर? इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि फॉर्म का विंडो अब क्लोज हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए, अब नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, बल्कि जो फॉर्म भर दिए गए हैं उसमें कोई एरर है, कोई त्रुटि है, कोई समस्या है, और वो समस्या क्या क्या होगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं 21 जून से लेकर के 27 जून 2023 तक। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है आपके फॉर्म में, जो कि डेट आपको दिया गया है 1 हफ्ते का उस करेक्शन को करने के लिए, क्या होता है कई बार हम लोग दिए गए रेंज में फोटो को अपलोड करने का प्रयास करते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है। फोटो और साइन क्या होता है कि एक करेक्ट साइज में अपलोड नहीं हो पाता है, जैसे कि पिछले बार भी हुआ था ऐसा, पिछले बार करेक्ट साइज तो अपलोड हुआ था, बाद में कोई सॉफ्टवेयर में इशू हो गया था, इस वजह से एडमिट कार्ड वो इशू नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने करेक्शन डेट में ही वो रिजेक्टेड दिखा दिया था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ सीधा सीधा कि जो फोटो और साइन है वो रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही करेक्शन डेट आएगा अपना लॉगिन करके फटाफट से और ये चेक करना है कहीं आपका फोटो या फिर आपका सिग्नेचर कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अपना पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल, आपको क्या करना है पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल आपको क्या करना है चेक करना है। ठीक है, पर्सनल में माने आपका नाम, फादर का नेम, मदर का नेम और पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें, ठीक है वो। एजुकेशन में आपका 10th के रिजल्ट के डिटेल्स, 12th का रिजल्ट का डिटेल्स, ठीक है, इनमें अगर कोई भी दिक्कत है तो वो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपका करेक्शन आता है सबसे बड़ा वो आता है आपका रिजर्वेशन का। क्या आता है? रिजर्वेशन का। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आपके पर्सनल में आते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, यानी कि ओबीसी,
कुछ बच्चे भरते हैं, कुछ बच्चे एससी सिलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे एसटी में फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे हैंडीकैप्ट में फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे मिलिट्री पर्सन से फॉर्म भरते हैं। तो ये सारे जो आरक्षण है, जो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण आपको मिलते हैं, ठीक है, आप ओबीसी सिलेक्ट करने को तो कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ट या मिलिट्री पर्सन में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका उसका संबंधित लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो भी सक्षम अधिकारी होगा, ठीक है, उससे आपको जारी करवा कर प्रस्तुत करना पड़ेगा डीवी में। कहाँ पे? डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या समझ में आ रहा है बात? कि डीवी में आपको जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट सॉरी सिलेक्ट करेंगे उसका आपको रिलेटेड सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 1 साल के अंदर आपका बना होना चाहिए, तभी आपका ये आरक्षण मान्य होगा। खासकर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो है सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है, क्योंकि तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का उनकी इनकम के आधार पे सर्टिफिकेट बनता है जो कि हर साल वेरी कर सकता है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है पुराना, ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी सर्टिफिकेट की 3 साल तक वैलिडिटी होती है, तो 3 साल तक वैलिड है, 3 साल अगर पूरा नहीं हुआ है तो वो आपका चल जाएगा, बस थोड़ा सा बात करना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक है, तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हुआ आपके आरक्षण में, अगर आपने ओबीसी सिलेक्ट किया है तो ओबीसी सर्टिफिकेट इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास बना होना चाहिए, एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट हो, और अन्य सभी जो भी उनमें से अगर किसी भी रिजर्वेशन को आपने सिलेक्ट करा है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, इसके बाद क्या हो गया, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बाद आपके पास सिलेक्ट होता है स्टेट डोमिसाइल का ऑप्शन, ठीक है, स्टेट डोमिसाइल का ऑप्शन होता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं कि अगर हम डोमिसाइल सिलेक्ट कर देंगे यूपी का तो एडमिशन हो जाएगा इजिली, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने, या तो देखो कुछ बच्चे तो मिस्टेक से सिलेक्ट कर सकते हैं तो उनकी कोई बात नहीं, वो सही कर लेंगे अपना, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे जानबूझ के करता है कि हम यूपी सिलेक्ट करते हैं तो हमारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जैसा कि कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है वैसे डोमिसाइल के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है यूपी का तो आप फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, रैंक भी आ जाएगा, लेकिन डीवी के टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो आपका पूरा किया धरा बेकार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिएगा। अगर स्टेट डोमिसाइल आपका यूपी है, यानी यूपी के रहने वाले हैं, यूपी का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र है, तो ही आप यहाँ पे डोमिसाइल में यूपी सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप जिस भी स्टेट से हैं वहां से, वहां को आप सिलेक्ट करिएगा, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो ये सभी रिलेवेंट स्टेट अपना जो भी होगा आपका वो आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, वहां से आपका इजिली जो है हो जाएगा, कुछ फैसिलिटीज जो है वो आपको नहीं मिल पाएंगी, बाकी एडमिशन अगर आप अपना स्टेट चूज करेंगे तब भी हो जाएगा, अच्छा रैंक होगा आपका, तो ठीक है। यही है कि पहले से लेकर के थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग तक, पहले से थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग तक क्या होता है कि यूपी के ही बच्चे, सिर्फ ओनली यूपी के ही स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि पहले से लेकर थर्ड राउंड तक की सीटों में सिर्फ यूपी के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, बाहर के बच्चों को तीसरे राउंड के बाद मौका दिया जाता है, ठीक है, तो यह ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके करेक्शन की, तो इनमें से कोई भी करेक्शन होगा या इसके अलावा एजुकेशनल में आपके 10th 12th में कोई दिक्कत होगी, आधार नंबर में कोई दिक्कत होगा, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपको काम कर लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है क्या, आपका एक बहुत बड़ा डाउट चिंतन होगा कि फॉर्म भर दिया हमने, ठीक है, करेक्शन भी चलो कर दिया, इसके बाद हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड भी अगर आ गया तो हमारी परीक्षा कब होगी, तो चलिए वो भी टेंशन दूर किए देते हैं। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड के बारे में देख लीजिए कब तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका करेक्शन का जो काम है वो ओवर होने के बाद, जैसे ही करेक्शन का काम ओवर हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके रोल नंबर एंड आपके एग्जाम सेंटर, रोल नंबर एंड एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट का काम चलेगा, क्या करेगा, अलॉटमेंट का काम चलेगा, ठीक है, और इसमें आपको टोटल लगेंगे लगभग 11 से 12 दिन का टाइम यहाँ पे, ठीक
ठीक है, 11 से 12 दिन का टाइम। तो मान के चलिए ये जो आपका पूरा शेड्यूल है वो आपका रोल नंबर और एग्जाम सेंटर अलॉट करने की जो पूरी प्रक्रिया है ये लगभग चल जाएगी आपकी 9 और 10 जुलाई के आसपास, सॉरी आपका जो ये शेड्यूल चला जाएगा ठीक है वो 9 और 10 जुलाई के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो 9 या 10 जुलाई तक आपके रोल नंबर या फिर एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट का जो है काम चलेगा। तो यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है, जो एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है वो एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा 11 या फिर 12 जुलाई को, 11 या फिर 12 जुलाई को। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि जो एडमिट कार्ड होता है वो परीक्षा से एटलीस्ट 7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपका जो है हफ्ते 10 दिन पहले आपके जो है आ जाते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, तो अगर हफ्ते 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो मतलब इसमें भी आपको हफ्ते 10 दिन मिलेंगे। तो अगर आपको 7 दिन दिया जाएगा तो आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम जो होगा वो एग्जाम आपका वो जाएगा 19 जुलाई के आसपास। ठीक है, 10 दिन मिलते हैं तो आपका 22 जुलाई के आसपास जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कहने का ये है मोटा मोटा अर्थ कि 3rd वीक में आपके जो है एग्जामिनेशन जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे हफ्ते में आपके जुलाई के 3rd वीक में आपका एग्जाम जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका टोटल टोटल शेड्यूल होने वाला है नेक्स्ट, जिसमें एडमिट कार्ड का डेट और एग्जाम का डेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे डेट्स हैं इंपॉर्टेंट जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो अगर 19 जुलाई को भी अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपका एग्जाम होता है तो लगभग लगभग आपके पास अभी जो है वो सबसे मिनिमम अगर हम टाइम लेके चलें तो 20 से 25 दिन की टाइम आपको फिर भी मिल जाएगा, यानी 22-25 डे का टाइम आपको मिल रहा है। इसमें हम लोग अब लॉन्च कर रहे हैं आपका, आपके लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री होगा, जो कि बिल्कुल फ्री बैच होगा। इसकी जो फीस होगी वो 0 रुपीज फीस होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पीवाईक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा, मैराथन क्लास का पीडीएफ मेरा मिल जाएगा। ठीक है, मैराथन क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लास अगर बात करें तो क्लास आपको 2 तरह के क्लास इसमें मिलेंगे जो हमारा बैच फ्री होगा ये। ठीक है, और इसका हम लोग नाम रखने वाले हैं बैच का लक्ष्य बैच। ठीक है, ये लक्ष्य बैच ही है जो कि आपके आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, यानी कि जो सरकारी कॉलेज का आपका सपना है वो पूरा करेगा। ठीक है, जो सरकारी कॉलेज का आपका सपना है उसको पूरा करेगा, ये आपका लक्ष्य बैच। ठीक है, तो लक्ष्य बैच 2023 हम इसका नाम रखेंगे क्योंकि लक्ष्य बैच 2022 में भी था हमारा, जिससे बहुत सारे बच्चे सक्सेस होकर के अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सपने को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब इस बार आपकी बारी है, लक्ष्य बैच 2023 के साथ आप तैयारी करेंगे। इसमें हम लोग 2 तरह की क्लासेस चलाएंगे, एक पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे एक सेशन में, जो कि 2022 से लेकर के 2016 तक के हम लोग क्वेश्चन पेपर को उसमें सॉल्व करेंगे। इसमें वो बच्चे भी इन्वाइट हैं जो बच्चे कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके अपने तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो कितने परसेंट मार्क्स पा रहे हैं और वो अपनी तैयारी में कितने जो है माहिर हो चुके हैं, कितना उनकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही है। ये सारी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मार्किंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, लास्ट में हम लोग मार्किंग करके जो है यहाँ पे और टोटल मार्क्स भी आपको बता देंगे कि कितने आपके मार्क्स है, कैसे कैलकुलेट करना है वो मार्क्स भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट करना, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, साथ में आपको मैराथन क्लास भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मैराथन क्लास में क्या करेंगे हम लोग, एक साथ 2 से 3 चैप्टर की क्लासेज आपकी लगाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस जो होगा हमारा, जो प्राइमरी फोकस होगा वो मैथ्स पे होगा, हमारा प्राइमरी फोकस जो होगा वो मैथ्स पे होगा। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स पे होगा। ठीक है, क्यों मैथ्स पे होगा, क्योंकि 50 आपके क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 40 हैं जो कि 20-22 दिन में पूरे चैप्टर्स कवर हो सकते हैं, तो हमारा फोकस इसलिए मैथ्स पे रहेगा। ठीक है, मैथ्स के बाद हमारा जो फोकस होगा वो फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री पे होगा। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते ही हैं, जैसे
एसिड बेस एंड सॉल्ट से देखा जाए हर साल दो तीन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में मेजरमेंट से सार्थक अंक, कोटिमान, यूनिट, ये सारी चीजें आती ही आती हैं। और आपका इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट से चार से तीन से चार क्वेश्चन आता है, आपके लाइट वाले पार्ट से तीन से चार क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के इतने पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। इतनी अगर हम तैयारी करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका 50-60% जो है वो कवर हो जाएगा मैराथन में, और बचा हुआ 30-40% कवर हो जाएगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि हम लोग लगभग अगर देखा जाए तो 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16 लगभग 7 वर्षों का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, लगभग 7 ईयर्स का। तो 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आने वाले आपके टोटल प्रश्न है, और उसमें भी एक एक वर्ष में आपको 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। 2021 वाले में तो 9 सेट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें लगभग जगभग जितने इंपॉर्टेंट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। और उससे आपकी तैयारी को और भी 4 चांद लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए, कोई भी अपडेट आए पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और साथ में अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी पीडीएफ और नोट्स होंगे वो वहीं पे शेयर किए जाएंगे आपके साथ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपका सजेशन है क्लास को लेकर के, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो 9076929784 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आपको क्वायरी होती है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।